सुक्का करके ये मसाला बनाने के लिए रेडी है ये। अब मैं इसमें मसाला वगैरह जो भी इसमें लगता है वो डालने जा रहा हूँ। ये किचन किंग एक चम्मच डाल रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डाल लेना। और ये अजीना मोटो डालता हूँ। ये नमक हो गया, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च इसका पेस्ट हो गया ये। ये हो गया, मक्खन हो तो मक्खन डाल सकते हैं, नहीं तो तेल डाल देना, रिफाइंड सरसों का मत डालना, वो आ जाएगा सरसों का कच्चा खुशबू। अब इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे इस तरीके से पूरी तरीके से मिलाना, सब जगह मिल जाए। उसके बाद तब बनने के लिए तैयार हो जाए और रुको। और इसमें जो मैदा का ये टुकड़े करते हैं ना, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, और घर में खाने के लिए तो आपने हिसाब से बनाना, बेचने के लिए थोड़ा सा पतला ही रखिएगा कि इतनी सी रहना चाहिए, इतना, क्योंकि फिर कस्टमर बोलेंगे मैदा ही मैदा है। मैं ये वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ कि किसी भाई का कमेंट आया था कि भाई अच्छे से बताओ भेज में तो कौन क्या क्या डालता है, क्या कमी, नॉर्मल चीज बनाते हैं हम, इतना रेस्टोरेंट की तरह तो बनाते नहीं हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है रेस्टोरेंट की तरह, तो इसलिए आपको हम जैसे बनाते हैं वैसे दिखाने जा रहे हैं। बस ये देख लीजिए, जब रोटी बेलेंगे बेलोगे आप लोग तो इसका साइज ना सीधा साइड साइड का इतना ही पतला होना चाहिए, ये देखो, नहीं तो जब मोमोज बनाते वक्त मोटा हो जाएगा, एक कट्ठे ही जो ये साइज ऐसे मोड़ लेते हैं ना तो फिर एक कट्ठे हो जाएगा, फिर मोटा आटा मोटा हो जाएगा, मतलब मैदा, जैसे कि इतना इतना डालिए और बनाइए इस तरीके से ऐसे आराम आराम से। देखो डिजाइनिंग बनते जा रहा है, ये रहा, देखिए इस तरीके से डिजाइन बनाइए।